हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो को हम रिव्यू करेंगे दो ऐसी नई बाइक जो आने वाले टाइम में दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगी, जिसमें से पहली है विट प्लेन और दूसरी है स्वर्ट प्लेन 401। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि होंडा होंडा मोटरसाइकिल भारत में एंट्री करने जा रही है और ये अपनी कंपनी KTM के अंतर्गत दोस्तों आती है। भारत में पहले ही बहुत ज्यादा कभी इसने सफलता प्राप्त कर ली है। इसके अलावा होंडा होंडा ने भारत में अपने पहले प्रोडक्शन के रूप में विट प्लेन और स्वर्ट प्लेन 401 के नाम से दो मोटरसाइकिल लॉन्च की है। विट प्लेन 401 एक रेट्रो मोटरसाइकिल की तरह ही लगती है दोस्तों, और स्वर्ट प्लेन 401 जो है दोस्तों वो बिल्कुल स्क्रैबल कह सकते हैं। इन दोनों बाइक्स को भारत में ही बनाया जाएगा और इसके जो प्रोडक्शन है वो पुणे के चाणक्य स्थित प्लांट बाजार में इसको स्थापित किया जाएगा। इनका जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो इसी वर्ष शुरू हो जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल तक इसको कम्प्लीटली तरीके से इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों विट प्लेन और स्वर्ट प्लेन 401 दोनों मोटरसाइकिल KTM ड्यूक 390 पर बेस्ट होगी और दोनों की जो कीमतें हैं दोस्तों वो भी आसपास ही होगी। अब विट प्लेन और स्वर्ट प्लेन 401 में अंदर आपको मिल जाएगा 373cc का दोस्तों इंजन है वो आपको मिल जाता है। इसके साथ KTM का जो है दोस्तों ये है वो इंजन होगा। ये जो इंजन है दोस्तों वो 44 BHP की पावर के साथ 37 Nm टॉर्क इसमें जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं। इंजन के अलावा दोस्तों इसमें कई पार्ट्स ऐसे भी होंगे जो KTM ड्यूक से लगाए गए होंगे और विट प्लेन और स्वर्ट प्लेन 401 की जो है दोस्तों वो ड्यूक वाले जैसे चेसी हो गया, ब्रेक हो गया, इसके साथ सस्पेंशन हो गया, ये जो चीज़ें दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इसमें KTM की यूज़ की जाएगी। आई होप कि दोस्तों उम्मीद ही जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब।